हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:36 और फैमिली में भी उठ चुका हूँ। तो गाइज, आपने लास्ट वीडियो में देख दिया हम कहाँ आ रखे हैं और रात को यहीं पे स्टे किया था हमने। एक टेंट हमारा ये रहा, एक टेंट हमारा ये रहा। तो गाइज, अभी मैं उठ चुका हूँ, फिलहाल फ्रेश सोचता हूँ और थोड़ी देर में चाय बनाते हैं। तो गाइज, अभी सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो गाइस, आपको तो पता ही हम कहाँ आ रखे हैं, हम जो डंडा आ रखे हैं, आपने पिछले ब्लॉग में देख दिया होगा। तो गाइस, यहाँ सनराइज़ हो गया, सुबह 5 बजे सनराइज़ हो गया। मैं तो तब उठा नहीं, मैं उठा 5:36 और मैंने आपको बता दिया था। तो गाइस, यहाँ पे देव भाई और बड़े भाई विनोद भाई उठ चुके हैं। तो रात कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और बारिश भी हुई। ठंड लगी ना? ठंड तो कहाँ लगी, लगी भी थी लेकिन झेलना पड़ेगा। अपने पास टेंट वेंट था ही। तो गाइस, अभी कर रहे हैं यहाँ पे सफाई, क्योंकि हम अपना कूड़ा फैलाएंगे नहीं इधर उधर। तो अभी हम अपना कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और इसको एक जगह पर डाल देंगे, इसको गड्ढे को मैं तो जला देंगे, है ना भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, ये देख पा रहे होंगे आप, हमारा आसपास काफ़ी छप्पर है और यहाँ नीचे पे हमारा टेंट है, हमने यहाँ पे लगा रखा अपना टेंट मस्त। गाइस, बाहर चल लिया हुआ तो हमने डिसाइड किया कि चाय हम अंदर बनाएंगे, क्यों? ये खाली था ये छप्पर, तो पूरा खाली है ये छप्पर, कोई है नहीं यहाँ। तो यहाँ पे हम बना रहे मस्त चाय। चलो चाय हम बाहर में पियेंगे मस्त मजे से। ये बन गई हमारी चाय, बन चुकी है गरम गरम। तो चाय का प्याला पीते हैं मस्त फिलहाल। तो गाय चाय पीने में 1 मिनट भी लगे, यहाँ इतना ठंडा है कि चाय पूरी ठंडी हो गई। हमने चाय फटाफट पी भी ली। और मैंने और एक जो है ना इस समय जैकेट चेंज कर दी और ये जो है जैकेट मैंने पहन ली और जो है ना मेरी जैकेट पहन ली। क्यों पहन ली? क्योंकि यहाँ सर दर्द हो रहा, ठंड से हवा चल रही ना। तो मैंने कहा एक जो है जैकेट मुझे दो थोड़ा देर के लिए। दिन में दाव चल। हाँ, तो गाइस, ये है अंकल जी का छप्पर बड़ा वाला, यहाँ पे लगा हुआ 20x22 छप्पर है ना। 20x22 तो यहाँ पे 20x22 छप्पर है, तो यहाँ पे सारे छप्पर फुल है साइज लगा हुआ है ना भाई साहब। तो गाइस, कल रात यहाँ पे काफी लोग आ रखे है, सारे छप्पर लगा हुआ फुल बन रखे है। एक सफर नहीं हुआ है तो 10-5 आदमी हर सफर में शिफ्ट होड़ के लोग। तो गाइस, चाय चुई पी ली, अब फिलहाल मुँह हाथ धुन जाते हैं। ऊपर पानी तो यहाँ पे है नहीं, पानी के हम जाना पड़ेगा ऊपर इस धार की तरफ। तो चलो मुँह हाथ धो के आते मेरे उस आप बोतल लेके पानी लेके आएंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हवा चल रही खतरनाक। तो गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो पत्थर के ऊपर पेड़। मस्त लग रहा पत्थर के ऊपर से पेड़। तो गाइस, यहाँ पे आते हैं, यहाँ का पानी जो छप्पर वाले पानी पीते हैं वो यहीं पास पीते हैं, यहीं पर से लाते हैं वो अपने छप्परों के लिए पानी। भैया, ये पानी कहाँ से आता है? अरे पानी ना पेड़ों के जल से आता है, चट्टानों से, पेड़ों से जल आता है। तो गाइस, अभी भैया मुंह धो रहे हैं। भैया, कैसे लग रहा है? बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा गलत पानी भाई। फ्रेश फ्रेश हो गए, मुंह हाथ धो लिया, डुबकी मार रहा। हाथ लगा दो पानी, कितना ठंडा हो गया। शहर का क्या है नाम, जन्नत है जन्नत है। इन अपने छप्पर कुछ इस प्रकार से सजा रखे हैं, ये देखो पानी भी नहीं आएगा अंदर। ओ बच्चा क्या प्यारा, अच्छा प्यारा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अंकल जी लोग यहाँ पे रहते हैं 4-5 महीने और अपने गाय भैंस बकरी लेके आ रखे हैं आजकल डांडो में। तो 4-5 महीने आ रहेंगे मस्त, उसके बाद घर निकल जाएंगे दीपावली तक या दीपावली के बाद। तो गाइस, ये है दुदतली वैली डांडा। तो गाइस, जब मैं आया था लास्ट टाइम तो मैं 2012 आया था, 2012 के बाद अब आ रहा हूँ मैं, यानी कि 2022 में आ रहा हूँ, 10 साल बाद। तो गाइज, मैंने आपको बता दिया था पिछले ब्लॉग में, तो आज है 12 जून, तो यहाँ वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि है, तो उसकी स्मृति में यहाँ पर एक मेला लगता है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या मस्त लोकेशन आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, क्या मस्त लोकेशन आ रही है,
तो यहाँ से गैरसन भी दिख रहा है, दिखा दूं आपको। साफ तो दिख नहीं पा रहा है पर ये है गैरसन नीचे, और यहाँ से दिख रहा है बरहालसन, कुछ गांव दिख रहे नीचे। तो गाइस यहाँ पेड़ देखो, तुम किस प्रकार के पेड़ है देखो, लंबे लंबे पेड़ है यहाँ। तो गाइस अभी हम अपना टेंट टूंट पैक कर रहे हैं, थोड़ी देर में जाएंगे आप समाधि की ओर। तो यहाँ से राउंड फिगर में आधा किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 20 वाली की समाधि, तो थोड़ा दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, देव भाई बना रहे हैं हमें मैगी। कितनी मैगी डाली आपने इसमें? 6 मैगी डाली। 6 मैगी बहुत है। तो गाइस के बाद नाश्ता करते हैं मस्त। तो गाइस हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है, फिलहाल मैगी खाते हैं मस्त। तुम लोग भी पहुंच गए? अभी पहुंच रहे क्या? तो गाइस चलो यहाँ से मूव होते हैं, फिलहाल हमें टेंट यहीं पे रखा हुआ है, मतलब ऐसे ही सामान अंदर रखा है, तो बाद में उतार लेंगे इसको टेंट को। तो फिलहाल हम चलते हैं ऊपर को, बताया था कि यहाँ से राउंड फिगर में 15-20 मिनट का रास्ता है, तो चलो चलते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि देखने। तो गाइस लगे हैं हम वॉक करते करते आराम से मस्त अपना एंजॉय करते करते। तो गाइस ये देखो यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो इसकी इतनी हवा हुई कि इसका छत ही उड़ गया। छत कहाँ गया इसका? छत उड़ गया, यहाँ पे आ गया, इतनी हवा होती यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक ताल दिखा दो आपको, कितनी बड़ी ताल है, चलो चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस ये है मिनी ताल, पता नहीं कौन सी ताल है, तुम्हें पता ही नहीं आता नाम तो पता ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पे दिख रहा हमको वो है समाधि वीर चंद सिंह गढ़वाली की, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हम लोग भी, चलो मूव होते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ से जो चिबा दी है कि यहाँ रोड से यहाँ तक ऐसे ही सिच मार्क लगा हुआ है, मतलब कोई भी रास्ता भटक नहीं सकता है, ऐसे रास्ता है पूरा रोड से यहाँ तक। तो गाइस पहुंच चुके हम वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि पे, तो ये है वीर चंद सिंह गढ़वाली समाधि। तो गाइस जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तब यहाँ काफी भीड़ लगी थी, काफी सारी दुकानें भी खुली थी, तो इस बार कुछ ऐसा कुछ रौनक दिख रही है, देखिए कुछ भाई लोग यार यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, कब पहुँचे? कल से ही है। तो मतलब सब हम गैर से निसार के यहाँ। और बढ़िया, बस बढ़िया, पहुंच गए 45। कब तुम कल आते हैं यहाँ से? आ जाए छतरी छतरी भी यहाँ पे हमको बहुत सारे भाई लोग मिले, राकेश भाई लोग, अमित भाई। चलो दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है, मेरा तो कुछ खास लग रहा मुझे इस बार। हेलो 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 धर्म भाई, कैसे हो? बढ़िया, कब पहुंचे? चलो उत्तराखंड के पामीर में। हाँ जी नमस्कार। और बढ़िया चंद सिंह गढ़वाली समाधि, चलो आओ दिखाते हैं। हेलो हेलो भाई लोगों, भाई लोगों सब अपने जान पहचान। हेलो कब पूछे तुम? और बढ़िया, ठीक है, तुम जाने लग गए क्या? तो ये देखो भाई लोगों ने यहाँ पे दुकान खोली है क्या पे? हाँ भाई जी, आपको मिलेगा छोले, चाय मिलेगी, छोले बंद बिस्किट चाय। हमारे मुकेश भाई लोग कल से ही है, यही थे कल छपरों में थे कि बाहर थे कहीं छपरों में? और भाई लोग बढ़िया भाई साहब। तो गाइस यहाँ पे बनी है वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि, यहाँ पे लिखा था तो कुछ दिख ना, ये सब मिट गया है। यहाँ पे भाई लोग लगे हैं छोले बनाने में। भाई और क्या क्या बन रहा? ये छोले हैं, ये मैगी है, बगल में मोमो बन रहे हैं। अच्छा। और जो पीड़े हुए बर्बाद लौटने आ रहे हैं उनके लिए तिलबाग सिगरेट गोल्डन सब है। ठीक है बढ़िया बढ़िया। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे है वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि। तो गाइज मुझे कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, तो देख रहा हूँ मैं किससे पहुँच के, कोई बताएगा जिसको ज़्यादा जानकारी होगी। तो गाइस जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे तीनों डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है, यानी कि अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। यहाँ पे आए हैं हमारे बड़े भाई साहब जी, आप नाम क्या, सुनाम क्या है? नरेंद्र बरमूला। तो आप कहाँ से आए? हम गैरसैंड से, महलचोरी। ठीक, तो भाई साहब को यहाँ की अच्छी तरह जानकारी है, तो भाई साहब हमको कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। जी यहाँ पे दो प्रकार की जानकारी है, पहले तो ये दुधातोली जो है ये उत्तराखंड का पामीर का पठार है। इसका कारण है कि यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, आटागाड़, पूनो और रामगंगा जो कि महत्वपूर्ण नदी है, और पश्चिमी रामगंगा। हाँ पश्चिमी रामगंगा, क्योंकि पूरी रामगंगा जो है कुमाऊं में है, पिथौरागढ़ में। तो इस प्रकार से जो पहले हम ये यहाँ पे ताल भी है दो, लेकिन जो मुख्य यहाँ पे आने का हमारा कारण है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी है, और मैं समाधि समाधि स्थल भी है उनका।
दिखा तो दे। हाँ तो अगर बीरचंद सिंह गढ़वाली जी जो है वो सब लोग जानते हैं कि एक यहाँ पे वामपंथी नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे। बाद में पहले वो भारत की सेना में, उनका जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था, मासी जो मंसारी जो जगह है वहाँ पे हुआ था। और उनके पिताजी जो थे तिलोत सिंह भंडारी जी, पहले चौहान लोग थे, बाद में भंडारी वहाँ पे आने के बाद बने। तो उन लोगों ने वहाँ पे, जब ये इनके पिताजी साधारण से किसान थे और किसान होने के कारण उन्होंने क्या किया कि वे जल्दी ही सेना में चले गए। और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार चल, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस प्रथम विश्व युद्ध में ये भर्ती हो गए थे। और पहले इन्हें फ्रांस की लड़ाई लड़ी थी, और फ्रांस की लड़ाई लड़ने के बाद फिर वापस आए लेंसिटन। फिर इनको दोबारा ये जो थे, जब जर्मन की लड़ाई हुई, उसके बाद ये बगदाद की लड़ाई, मेसोपोटामिया की लड़ाई हुई, उन लड़ाई में शामिल रहे। लेकिन जब ये वापस आए 1920 में, तो हल्का ये गांधी जी के संपर्क में आए थे। और गांधी जी के सभा में जब ये गए थे, तो गांधी जी ने कहा था कि उनका हैट होता था उस समय, टोपी, तो उन्होंने कहा था कि ये हैट जो है, क्या आप मुझे डरा रहे हो या अंग्रेजी? उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी टोपी मुझे देंगे, गांधी टोपी, तो मैं कभी इसको धारण नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद इनके जीवन की जो सबसे बड़ी घटना हुई थी, वो 23 अप्रैल 1930 में पेशावर कांड, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर जो थे पठान लोग जो थे, और उन खान अब्दुल गफार खान का नाम, जो कि उनके बड़े नेता थे, तो ये विरोध कर रहे थे। और अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जो इनके उच्च अधिकारी थे रिकेट, उन्होंने वहाँ पे उनको गोलियाँ चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था गढ़वाली 3 राउंड फायर, तो इन्होंने कहा था गढ़वाली सीज फायर, उन्होंने गढ़वाली गोली चलाने से मना कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने जब मना किया, तो फिर इनका कोर्ट मार्शल हुआ इनके साथियों का भी, और उसमें इनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इनका जो केस लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था, तो उसी कारण इनकी सज़ा जो पहले 14 साल थी, बाद में इनका अच्छा व्यवहार या कुछ भी देखा अंग्रेज़ों ने इनको 11 साल 18 दिन का जो था वो सज़ा दी। लेकिन उसके बाद ये गांधी जी का फिर संपर्क आए वर्धा में, और 9 अगस्त 1942 आंदोलन में चला था, तो उस समय उस आंदोलन में शामिल हुआ। फिर उनको दोबारा जेल हुई, 1945 तक ये जेल में रहे, 42 से 45 तक। और फिर ये 1946 में, क्योंकि जब टिहरी में जो था वो हमारे नरेंद्र शाह जी थे उस समय राजा, तो उन्होंने जो वामपंथी लोग थे कम्युनिस्ट, उनको आने से मना किया था, तो उस समय ये तो कम्युनिस्टों की सहायता से यहाँ पे आए थे। और भारत, बाद में भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने जो यहाँ पे खर्क थे, जो ये उनका ये कहते हैं कि ये बड़े दिल की जगह, मतलब भैंसों के सामने खर्क में आए और यहाँ पे वो रहते थे। जब उस समय जब ये तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे 1960 के करीब जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने कहा था कि इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की जाए, क्योंकि वो ये जगह उनके दिल की बहुत करीब थी। और बाद में उनको कोटद्वार में जगह दी गई थी, तो 1979 में उनकी मृत्यु जो दिल्ली में हुई थी, लेकिन उनकी इच्छा थी, इसी कारण यहाँ पर उनकी समाधि बनाई। थैंक यू भाई, बड़े भाई जी, आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम कौन थे, समाधि कहाँ पे थी और वो क्या करना चाहते थे, उनका प्रयास क्या था, वो भाई जी ने सब बता दिया आपको। थैंक यू भाई जी आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी जो समाधि है वो मोहन उत्तराखंड, ये समाधि किसके यहाँ पे, ये मोहन उत्तराखंडी जी की है। और ये इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के साथ साथ जो गैरसैंण राजधानी, जो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण घोषित हो, इसके लिए आंदोलन किया था। और बाद में इनका जो बेनीताल में इनकी मृत्यु हो गई थी, टपोरी बिहार जगह पे, और ये समाधि स्थल यहाँ पे बनाया गया है, आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दो आंदोलनकारियों की समाधि है, लेकिन सरकारों की नज़र इन समाधियों से बहुत दूर है, ये हमारे लिए एक दुख और विषाद का विषय है। धन्यवाद सर। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे, धीरे लोग क्रॉस आते जाते। तो गाइज अभी हम यहाँ पे मेला शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कोई तो कर ना, तो मुझे ही करना पड़ेगा मेला शुरुआत, मेले की शुरुआत। तो गाइस आपने देखा होगा हमने अभी काफी एंजॉय कर दिया है, और अभी आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो गाइस जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये है पौड़ी का एरिया, यहाँ से पौड़ी स्टार्ट हो गया है, और जिधर से हमारे ये है चमोली साइड, तो ये चमोली का एरिया हो गया। तो गाइस यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे आप, ये है अल्मोड़ा, तो ये अल्मोड़ा माता है। तो गाइस चलो फिर से एंजॉय करते हैं।
मंडप गाइज, आपने देखा होगा हमने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। अब फिलहाल निकलते हैं यहाँ पर से क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 2 बज चुकी है और चलो मूव होते हैं यहाँ पर से। बाकी लोग पता नहीं कब आएंगे, हम तो चलते हैं फिलहाल। बाय बाय ऑल मेंबर्स एंड ये आप देख पा रहे होंगे, ये है गैस नीचे। तो गाइज देखो यहाँ पर एक मिथुन भाई लोग यहाँ पे बैठे रहे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है देखिए मुसलमान फुसा मार के होंगे। तो क्या बना रहे भाई साहब? मैगी मैगी बन रहा है। करो एंजॉय करो, है मस्त एंजॉय करो, ठीक है। ये है गन का फल, इसको बोलते हैं हम गन का फल। ये देखो भाई यहाँ पे काफल खा रहे हैं मस्त। ये एक गन गन है, प्यार से देखते हैं कैसे होता है फ्लेवर। और ये अमृत है, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ, हमारी भाषा में इसको गान का फल बोलते हैं, लेकिन ये है एक्चुअली स्ट्रॉबेरी का छोटा रूप। तो जंगल में काफी चीजें मिली हमको देखने के लिए, है ना, मिली और हमने आज गान का फल। तो गाइस मजा आ गया वॉक करते करते। तो गाइस यहाँ से दिख रहा है वो नीचे हमारा टेंट, वो देखो हमारा टेंट लगा हुआ है। चलो चलते हैं यहाँ पर से। तो गाइस ये ताल हम आपको पहले दिखा दी थी, ये है वो नीचे ताल। तो गाइस यहाँ का नजारा देखो आप, पत्थर ही पत्थर दिख रहे होंगे और नीचे छप्पर दिख रहे और नीचे और हमारा टेंट दिख रहा। बताओ आपको यहाँ की वैल्यू कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत नेचुरल भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग एकदम अल्टीमेट यार। भाई जी यहाँ पे आओ और यहाँ के आनंद को आप ऐसी चिंतन भाई, स्वर्ग का आनंद यही मिलता है भाई साहब, ऐसा स्वर्ग ही है भाई जी। मजा आ गया, कल रात से वहीं रुके हुए है, मजा आ गया। बस मन करे यहाँ से जाने का तो खर रहा है, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम अपने टेंट पे। तो आप बनाएंगे हम लंच, मस्त लंच करेंगे यहाँ पे। क्या बनेगा लंच में? गाइस फिलहाल लंच हो गया मस्त, लंच में आप देख जाओगे चिकन बिरयानी थी। तो आप टेंट को फोल्ड करते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं यहाँ पर से। गाइस लोग अभी आ ही रहे, देखो लोग अभी लगे आने में। अभी भाई जी पहुँच चुके हैं ऋषिकेश से, है तो भाई जी के ड्यूटी करते हैं विधानसभा में। तो भाई जी ने भी कहा है चलो घूम के आते हैं, ये है तुला तोली वाली। तो भाई जी के साथ के लोग भी अभी पहुँच रहे हैं, भाई जी लोग पहुँच गए सारे विधानसभा वाले। काफ़ी लेट हो गए आप तो। यार बहुत लेट चले यार, पहले भाई का चैनल पता नहीं था कि इतना। और बढ़िया अंकल जी लोग बैठे हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कितने कितने भैंस तुम्हारे? 5-4 जी। अच्छा तो बैठा तुम है। तो गाइस हमारा सारा सामान सुन पैक हो चुका है और चलो निकलते हैं यहाँ पर से। गाइस ये है लास्ट सीन,
ये है विधानसभा भरसन, तो अभी हम यहाँ से नीचे होके जाएंगे रोडी रोड। जी लोगों बाय बाय हैं। तो गाइस फिलहाल यहाँ से हम हो गए मुंह और निकलते हैं, 5 किलोमीटर का ट्रैक है और निकलते हैं एंजॉय करते करते। चलो तुम लाए उड़ाई खिला तुमका खासा तुम अब खिलौन गया तो गाइस आप देख पा रहे हो लोग अभी आ ही रहे, यहाँ आने के लिए हर कोई तरसता है, यहाँ अल्टीमेट जगह है, कोई भी आएगा एक बार तो मजा आ जाएगा। बस आप लोग भी जरूर आए यहाँ एक बार दूधा टोली। तो गाइस आपने देख दिया होगा दूधा टोली पहले से, मस्त मस्त दृश्य है यहाँ से और मस्त मस्त व्यू आ रहे है, जबरदस्त मजा आ गया यहाँ आके। तो गाइस रास्ते भर की मैं ज्यादा वीडियो भी बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने कल आपको पिछले ब्लॉग में दिखा दिया था। तो दादी यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो तुम्हारा दगड़े क्या जो तुम्हारा साथ में क्या है उधर चली आएगी ना, हम तो छपर मिली थी तो उन्होंने बोल के जो बुढ़े तुम रास्ता में ली उन्होंने बोले कि तुम छपर तक रहे हम आने के जरूर ना छपरा जगह तुम दिखा तुम सब कुछ ठीक वो जारी कर रहे तुम छपर तक जगह राम यार नि जान छै बोलै के दूर छै अखनो बेटी घर कक छै हमर त घर तक वा खेत के खन सर अच्छा बछु मान ओ तुम कका त यो दिवा खा दगा पे गाड़ी में ओ ओ पैदल ओ कमर पड़ा हुए में कमर सर अरे पिकी छोला होई ते तो यहां पे दादी खत्म इतनी चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंच गए हैं, मतलब यहीं कमी है 1 किलोमीटर भी नहीं छिक पे ठीक तुम जाओ वहां है ओ जाओ तो दाली परोठा ठीक है। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे नागफनी का पेड़, जिसने देखा है वो जरूर देखे। तो गाइस ये है नागफनी, देख रहे होंगे आप बिल्कुल नाग की तरह है, ऐसे पेड़ होता है इसका। नीचे भी एक पेड़ है यहाँ पे, एक यहाँ पे नीचे भी है, मुझे एक इधर है। तो गाइस दूधा टोली वैली में यहाँ बहुत सारे पेड़ है और बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं तो हमको पता है नहीं तो क्या ये बताया आपको। यहाँ पे पिएगा ठंडा ठंडा पानी, सबको यहाँ पे पानी की प्यास लगे तो सब पानी पिए, एक एक कर कुछ यहाँ पे वेट कर रहे कुछ आप पियेंगे, हम यहाँ से पानी भरेंगे जहाँ पे हमारी गाड़ी है वहाँ पे हम चाय बनाएंगे मस्त। तो गाइस यहाँ पे एक बकेती हो गई, बकेती क्या हुई पानी, मैं पानी पी रहा था और फोन यहाँ से नीचे जाके यहाँ घुस गया, नीचे घुस गया पानी फोन। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम ऑफ राइडिंग रोड पे, सबसे पहले हमें यहाँ बनाएगा चाय, तो चाय हो जाए शाम की, चाय चाय हो जाए शाम की, एक लास्ट बार चाय पी जाओ चाय, हम मस्त फुल सा। तो गाइस बन गई यहाँ पर मस्त चाय बन गई है, अब चाय पीते हैं मस्त, जुगाड़ जुगाड़ है वो बड़े चले मां पौधे आ तुम बाबा रे तुम बड़े चले, दादी पहुंच गए यहाँ पे। तो गाइस चलो चाय का प्याला पीते हैं तब तक, तो गाइस चाय पी ली मस्त, अब निकलते हैं यहाँ पर से। तो गाइस आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि यहाँ तक गाड़ी हमारे यार की, बाकी किसी लोगों की नहीं यार की, तो यहाँ काफी ऑफ राइडिंग रोड भी है, यहाँ है थार की रोड, तो हमने जा रखी है यहाँ सेंट्रो लेक आ रखे है भाई जी, हैवी ड्राइवर पिछले ब्लॉग में दिखाओ यहाँ पे हम कल फंसे हुए थे, कल हमारी गाड़ी यहाँ नीचे से लगे थे टायर, बड़ी मुश्किल से निकाले यहाँ पर से आगे पीछे करके।
तो गाइस जो ये ऑफ राइडिंग रोड है पूरी सात तो आप देख रहे होंगे पैदल लगे हैं तो हम ही लाए यहाँ गाड़ी, बाकी तो कोई गाड़ी लेके आए नहीं यहाँ। बाकी गाड़ी यहाँ पे है साइड लगा रखे लोगों ने, इस आगे कोई नहीं लाया अपनी गाड़ी, तो एक हम ही है जो यहाँ पर अपना गाड़ी लाए। हाँ जी कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है ना। तो गाइस पूछने वाले हैं हम भरहर चरण यहाँ से रह गए 1 किलोमीटर मात्र, तो उसके बाद रोड आ जाएगी मस्त अपनी, हाईवे आ जाएगा हाईवे। तो गाइस मैं बता दूं आपको यहाँ पर से कि हम कहाँ से आए और हमने जाना कहाँ है। तो गाइस ये है दुधातोली जहाँ से हम आए, जो आपको दिख रहा होगा लास्ट ऊपर, और जाना हमें कहाँ है यहाँ से दिख रहा है गैर से, अभी हमने जाना है यहाँ पे। तो अभी हम है भरहर चरण हेलीपैड के नीचे पे। तो गाइस ये यहाँ पे है बंदरे का पेड़, इसको हम बंदरे का पेड़ बोलते हैं, और ये बिल्कुल चिंगो भीतर होता है जब छपाने के बाद। चलो खाते हैं, कैंसर है वो, है वो पेड़ के लिए कैंसर। तो गाइस इस प्रकार के होते हैं। तो भैया मुझे भी दो घुटना नहीं है इसको, तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सनफ्रूट खा रहा हूँ बल्कि मैं सनफ्रूट नहीं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ जो मैंने आपको दिखा था बांदरी। ये देखो वो सनफ्रूट रहा होता है, ये बस ये जंगली सनफ्रूट है हमारा जो जंगल में आते ना। ये जो भाई पीछे मस्त सोर के है वो तो सोर के पे मुझे आँख लग रही मेरी। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम गैरसैंण पहुंच गए हैं जहां से हम विजिट करते हैं। तो गाइस फिलहाल टाइम हो चुका है 5:53 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपना गैरसैंण में। तो गाइस इस वीडियो करते हैं एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू गाइस वॉचिंग के लिए, बाय।